नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। चीन के चौखट पर एक बार फिर से दहशत का नजारा छा गया है, क्योंकि भारतीय आसमानों में 6 देशों के फाइटर जेट्स बिजली चमकाने वाले हैं। अगस्त में भारत समेत 12 देशों के वायुसेना की गर्जना से पीएलए के सैनिक अपने घोंसले में छुप जाएंगे। भारतीय वायुसेना की तैयारी ऐसी है कि चीन बुर्ज खलीफा पर भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा दे, तब भी हमारे फाइटर जेट्स को नहीं रोक पाएगा। आइए समझाता हूँ कैसे। दोस्तों, गलवान घाटी हिंसा करके चीन बुरा फंस चुका है। भारत ने एलएसी के उस पार चीनी कैंप में लॉकडाउन लगा दिया है। मोदी जी की 56 इंच की छाती ने चीनी सैनिकों को छुप छुप कर जीने को मजबूर कर दिया है। ये पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स मल्टीनेशनल युद्ध अभ्यास का आयोजन करने जा रही है। भारतीय वायुसेना ने 2024 में 2 प्रमुख युद्ध अभ्यास आयोजित किए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स मल्टीनेशनल युद्ध अभ्यास का आयोजन करने जा रही है, जिसमें राफेल के साथ साथ यूरो फाइटर जेट गर्जना करेंगे और इस युद्ध अभ्यास का नाम तरंग शक्ति रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जल्द ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों का मेला लगने वाला है। ये विमान भारत में किसी प्रदर्शनी के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग युद्ध अभ्यासों में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इसमें फ्रांस का राफेल, यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून और अमेरिका के F-16V और F-15 लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये सभी लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए टेंडर जीतने की कोशिश में शामिल हैं। इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका, जर्मनी, यूके, जापान, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया समेत एक दर्जन मित्र देशों के भाग लेने की उम्मीद है। इसमें 6 देशों के लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे, जबकि अन्य पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेंगे। जर्मनी और फ्रांस के यूरोफाइटर टाइफून और राफेल लड़ाकू विमानों के साथ युद्ध अभ्यास में शामिल होने की उम्मीद है। इन दोनों फाइटर जेट्स पर सबकी नजर होगी। इन दोनों के बीच भयानक टक्कर होनी है और इन्हीं में से किसी एक को भारतीय वायुसेना 114 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए ऑर्डर दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम के तहत ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइट करेंगे। इन दोनों में राफेल सस्ता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और प्रोडक्शन अश्योरेंस को लेकर जो अच्छा ऑफर देगा, बात उसी के साथ बनेगी। इस युद्ध अभ्यास में द हेड ऑफ द जर्मन एयरफोर्स भी आ रहे हैं और वो यहाँ खुद फाइटर जेट फ्लाई करेंगे। जर्मन वायुसेना ने पुष्टि की है कि वो अपने स्पेनिश और फ्रांसीसी समकक्षों के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास के लिए पहली बार भारत आएगी। तरंग शक्ति का पहला चरण 6 से 14 अगस्त तक होगा। दोस्तों, हमने आपको अपने जी चिल्स के पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस वक्त भारतीय वायु सेवा को कम से कम 42 स्क्वाडन ऑफ फाइटर जेट्स की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में IAF के पास मात्र 31 स्क्वाडन ही मौजूद है। इसलिए ये माना जा रहा है कि इस युद्ध अभ्यास में एक ना एक फाइटर जेट फाइनल हो ही जाएगा। फ्रांस और जर्मनी ने तो अपने एयरक्राफ्ट मॉडल के बारे में कंफर्मेशन दे दिया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि कौन सा अमेरिकी एयरक्राफ्ट इस युद्ध अभ्यास में भाग लेगा। लेकिन ज्यादा चांस हैं कि अमेरिका F-16V और F-15EX लेकर आ सकता है, क्योंकि इन दोनों को MRFA कॉम्पिटिटर्स माना जा रहा है। स्पेकुलेशंस ये भी हैं कि एक्सरसाइज में अमेरिका का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान F-35A भी शामिल हो सकता है, लेकिन इस लड़ाकू विमान के साथ डील होने के चांसेस काफी कम हैं। अगर तरंग शक्ति में F-35A आता है तो ये भारतीय आसमान में दूसरी बार उड़ान भरेगा, क्योंकि इससे पहले 2023 में एरो इंडिया शो में इसने डेब्यू किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि F-35 भारत के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में फिट नहीं बैठता। F-35 खरीदकर भारत सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकता। इधर भारत सरकार ने भी अपने 5th जनरेशन लड़ाकू विमान एमका के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्रीन लाइट देते हुए फंड जारी कर दिया है। दोस्तों, अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सैन्य अभ्यासों को इतना महत्व काहे दिया जाता है, इसका इतना हवा काहे बन रहा है। तो देखिए, सारे सैन्य अभ्यास, वो चाहे आर्मी का युद्ध अभ्यास हो, वायुसेना का अभ्यास हो या फिर नेवल प्रैक्टिस या ऑपरेशन हो, ये सब तो सामान्यतः दिखावे के लिए इसलिए किए जाते हैं कि युद्ध के पहले सेना को तैयार किया जा रहा है, एक बैटल वार्म अप के तौर पर। लेकिन इसका असली कूटनीतिक अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा है। जैसे जब किन्हीं दो देशों को अपनी दोस्ती मजबूत करनी होती है तब सैन्य अभ्यास करते हैं, किसी दूसरे देश की घेराबंदी करने के लिए अभ्यास करते हैं। आमतौर पर यह बताने के लिए सैन्य अभ्यास किया जाता है कि दो देश किसी तीसरे देश या देशों के समूह के खिलाफ तैयारी शुरू कर चुके हैं। हाँ, बस यही मतलब अब चीन की कान में जा पड़ा है। तरंग शक्ति 2024 में शामिल होने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिसके कारण वो आपस में नॉलेज शेयरिंग और एरियल स्किल्स भी साझा कर सकते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की अग्रेसिव पॉलिसी ने बाकी के एक जैसी आइडियोलॉजी वाले देशों को एक कर दिया है,
यानी दोस्त बना दिया है। भारत 2020 से ही चीन के साथ सैन्य गतिरोध में उलझा हुआ है और अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान निकलता नहीं दिख रहा। यहीं से भारत अब समझ चुका है कि चीन के इस चूल का स्थायी समाधान करना होगा। इस कारण भारत ने भी विदेशी देशों के साथ हवाई अभ्यास बढ़ा दिया है। भारत अभी तक इतने बड़े पैमाने पर किसी मल्टीनेशनल हवाई अभ्यास में शामिल नहीं हुआ है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के लगभग सभी लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि तरंग शक्ति भारत की दोस्ती का परिणाम है। जिस स्ट्रेटेजी के तहत भारत चीन को दबोचने के लिए आगे बढ़ रहा है, यह उसका कमाल है। पिछले साल इंडियन एयरफोर्स ने भी फ्रांस, ग्रीस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान के अलावा और कई अलग जगहों पर मल्टीनेशनल और बाइलेटरल एक्सरसाइज परफॉर्म किया है। लॉकहीड मार्टिन ने खासतौर पर आईएफ के लिए अमेरिकन F-21 को कॉन्फिगर किया है, जो कि MRFA डील के लिए दावेदारी में है। इसके अलावा अमेरिकी F-15E, स्वीडन का Gripen E और रूस का Su-35 भी इस रेस में शामिल है। F-21 को मेड इन इंडिया F-16 भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन ने भारत के दिग्गज इंडस्ट्रियल हाउस टाटा के साथ मिलकर भारत में F-21S बनाने का प्लान बनाया है। ये कदम भारत सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री को मजबूत करना है। चीन के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भारत बार बार हर मुमकिन कोशिश करता है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग 2 बार भारत आए और हिंदुस्तान ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन चीन ने बात तो भाईचारे की लेकिन दिया धोखा। LAC पर सड़क छाप गुंडों वाली चीनी सेना ने जिस करतूत को अंजाम दिया, वो माफी के काबिल नहीं। ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने भारत को धोखा दिया है। चीन को भारत की जनता की भावनाओं और संवेदनाओं की कोई फिक्र नहीं। देखिए, भारत के लिए अब एक ही सलाह है, भारत को सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों पर नजर रखते हुए ताकत पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी मसले में बातचीत बेहद जरूरी होती है, क्योंकि इससे मेज के दूसरी तरफ बैठे पक्ष की ताकत और कमजोरी का पता लगता है। साथ ही ये जानकारी भी मिलती है कि वो किस चीज से भड़क सकता है। धन्यवाद।